दूजी बार एमएलए बनाया अते आज तहाड़ी सारे दी अपनी सरकार अते तहाड़ी अपनी भैन बीबी सरजीत कौर मारूके जी का समुचे जगराओं विधानसभा हल्के के लोगों ने जो ये मुख दफ्तर खोल रहा उहदे दफ्तर खोलण की रस्म से जो सारे इस खुशी सरजीत मारूके की मेहनत करके पिछले इलेक्शन एमएलए बनाया इन्होंने इन्नी मेहनत की पंजाब च जो कुछ एमएलए साहब अपनी सरकार बन गई है बड़ी बहुत सख्त मेजोरिटी बनी है भैन मैनू काफ़ी गाइड करती सी कि कितना इलेक्शन किया जाए थोड़ा असं लेट आए तो चलो दाखा नहीं जितया गया पर फर्क नहीं पैंता क्योंकि गाइडेंस सानू पूरी है मैडम की मैडम दसते हैं कि आप हल्के किवें चलना है हल्के किवें लोगों के काम कराने हैं तो अपनी ही जिम्मेवारी है कि आप अपने इलाके च भी अपने पूरे पंजाब से सारे काम कराइए एक बहुत ईमानदार सरकार आई है बहुत ही ईमानदार सरकार आई है मैडम तुहाडे सामने है सारे सारे जिन्हें भी अहुदेदार है जिन्हें भी एमएलए है मिनिस्टर है बिल्कुल ईमानदार लोग है बहुत वधिया तरीके नाल काम चल रहा है तुसीं देखिया होना सरकारी दफ्तर च जाओ तो किते भी किसी रिश्वत की कोई गल नहीं हो रही हूँ वो बंदे कहते जो पहले चार चार गेड़े मराते हैं कहते हूँ एक बार काम कर दौ गेड़े मराने का की फायदा गेड़े मरावे तो काम तो होना नहीं हलो सो आ फर्क हों डेढ़ महीने च ही बंदे पता लगन लग पाया कि मैं बंदा है मेरी कोई इज्जत माण है मैं एक आजाद देश का आजाद नागरिक है मेरे कुछ हक है तो हक मिलने जिड़े भी बाकी वादे किए हैं सरकार ने सारे एक एक करके पूरे हो जाने हैं थोड़ा जहा टाइम दौ आप बहुत कई बार काले पै जाने आप चाहते सारी चीज़ अज ही हो जाए पर जिदा उन्होंने गाइडेंस हैगी है तो जिस तरीके सरकार काम कर रही है बिल्कुल बेफिक्र रहो सब कुछ एकदम वधिया हो जाना तो कितने भी कोई तुहानू लगता है कि सुझाव हैगा है इदा होर बेहतर हो सकता है तो मैंने पता है कि मैडम पता तो जो मर्जी आ सकते हो तो सुझाव दो उस हिसाब से सरकार होती है चलेगी तो मैं बहुत खुशी हुई कि मैडम ने मैनू भी कहा कि मैं आके तुहाडे नाल गल कर सकदा तो असी तो असल जो तो सीखण आए थे कि आप कि हल्के विचरीए कि कम लीए कि सारे लोगों के काम कराइए क्योंकि लोगों को बहुत आस है आप सारे काम कराने हैं तो मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता मैडम का भी तो भी सारे का धन्यवाद करता मैं बहुत ही चंगा लगे थोड़े से आके वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह मेरे अपने सारे जुझारू साथियों सब तो पहला तो धन्यवाद बार बार करती हुई थोड़े ना पते की सांझ अर्ज करती हाँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह मैं जिया आखती हाँ साढ़े कंग साहब न जेडे अपने इन्नी झेले अपने समय के समा कट के आए तो अंदर हाईकोर्ट तबीर वालिया जी बैठे हैं जेडे समय चो समा कट के आए तो मेरे सारे चलाओ मैं गल करा जिस मुस्तैदी के नाल आपां विरोधी पार्टियां नूं हराया उस गल ते आपां नूं पहरा दिन दिन नित प्रति देना पैना फौज के कमांडर वांग पहला एक अपने को गली का प्रधान हो सारी गली के प्रधानों दियां बार का प्रधान बने सारे बार के प्रधान कट्ठे होके एक पिंड का प्रधान बने पिंड के प्रधान कट्ठे हो गए फिर एक सर्कल का प्रधान बने सर्कल का प्रधान कट्ठा हो गया हमें ब्लॉक प्रधान को ब्लॉक प्रधान कट्ठा हो गए हमें हल्के दे अन्ना दे जो तक आप शाम की पोस्ट अपने मीडिया राही बई पिंड लखा गली नंबर पांच समस्या मेल के राही
ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਚਲੋ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨ 18 ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦੀਆਂ ਪੰਚੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਆਪ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬੜੀ
कानून का कि मैडम असि दफ्तर च गए, मैडम नहीं मिले, मैडम का कोई नहीं गया दफ्तर च। पर बेनती है जिवे जिवे आपां वोटां तो पहला तो कम ही एक सी आपां वोटां मंगीआं सी, तुसीं आपणे पिंड च ते मिलो हुण बदल दे नाल असर बदल दे नाल आपां नूं और जाके भी करने पैणे। इस करके नौ तो पांच दफ्तर खुलेगा, इस दफ्तर दे विच तुहाडे पिंडां दे वी ड्यूटियां लगणगीआं भाई, अज तेरी दफ्तर च बैठ के काम कराउण दी ड्यूटी है। आपको क्यों बुलाया? आप ही क्यों हैं? मैंने कहा तू करना है आदमी, नहीं मैं मजदूर आदमी, मजदूर आदमी। अच्छा मजदूर आदमी हूँ, ठीक है। इसके मेरा दाज ठीक है। पहला किसी लीडर ने ऐसे बुलाया आपको? नहीं कभी नहीं बुलाया। अच्छा लग गया मैनू, ठीक है। बहुत किया प्यार मन करी ने। ओके ओके।